कैसे हैं आप लोग, जिसमें राशि। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं मेरी तरह और साथ में जिम भी जाते हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, थोड़ी बहुत बॉडी मेरी बन गई है, मैं पिछले करीब 1.5 या 2 साल से जिम कर रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप साथ में जिम जा रहे हैं या फिटनेस पर ध्यान देते हैं और सीरियसली देते हैं, ये नहीं कि तो कुछ दिन गए कुछ दिन जाने के बाद बंद कर दी, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको जिम जाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी प्रॉपर करना है। क्योंकि क्या होता है, हमारी बॉडी में जब रिजल्ट्स देखते हैं तो हम सोचते हैं थोड़ा इसे और पुश करें, हम अपनी डाइट लेते हैं, हैवी डाइट करते हैं, जिससे हमारे शरीर में आलस रहता है, या जिम मतलब दिन भर खाना खाने के बाद हमसे पढ़ाई नहीं होती है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई को प्रॉपर टाइम देना है, उसे मेंटेन करना है, और जिम भी आपको जाना, ये नहीं है कि जिम बंद कर दें एक चीज़ छोड़ दें, आपको प्रॉपर ध्यान दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाकर चलना है, ताकि आपके जब एग्ज़ाम आए या कुछ और हो स्टडी में तो आपको दिक्कत नहीं आए। जैसे कि मुझे अभी, मैं कुछ दिनों से अपनी पढ़ाई बंद किए थे, 2-3 महीने से, मतलब उतनी ज़्यादा हो नहीं रही थी, तो अब मुझे स्ट्रगल हो रहा है, मुझे पाई चीज़ें रिकॉल या पढ़ने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरा कुछ 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। तो मैं, ये पर्सनल है थोड़ा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आई होप यू लाइक द वीडियो।